इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस हांगकांग। इंडिया के लिए शायद बहुत बड़ा मैच ना हो, लेकिन हांगकांग के लिए बहुत बड़ा मैच है। पहली बार खेलने वाले हैं अगेंस्ट इंडिया इन टी20 इंटरनेशनल, और फिर से हम डिस्कस करेंगे कौन से हांगकांग के प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में लेना है, कौन से इंडियन प्लेयर को ड्रॉप करना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स, मैं हूं पीयूष शर्मा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो फिलहाल है अभी वो ये है कि मेरे व्यू स्पोर्ट की जर्सी आ गई है फाइनली। दोनों स्काउट्स ने काफी मजे लिए थे लास्ट एपिसोड में मेरे, लेकिन अब मुझे मिल चुकी है। तो प्लीज वेलकम वसीम सर, आकाश सर, और इससे पहले मैं आपसे पूछूं आपके कैप्टन कौन होंगे। आकाश सर, कैसा लग रहा हूं मैं ब्रांडी हूं प्लीज फॉर जर्सी? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा मतलब भुवनेश्वर कुमार को वाइस कप्तान बना के मैं मुझे फील हुआ था, बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर। क्या बात है सर, मेरे इस मैच में कैप्टन थे भुवनेश्वर कुमार, तो मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन वसीम सर। आपसे बनाया तूने अर्शदीप को नहीं बनाया, अर्शदीप कह रहा था पर तूने बनाया नहीं। हाँ, मैंने भुवनेश्वर अर्शदीप बनाया एक में, और एक में अर्शदीप और लोकेश राहुल। देखो तो ये बड़े स्मार्ट बच्चे, तो एक ये एक नहीं है, दो दो तीन तीन टीमें बनाते हैं ये बड़े स्मार्ट बच्चे। मैं यूजुअली स्मॉल लीग जे की टीम से खेलता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग था उस दिन कि अर्शदीप के साथ जाऊंगा भुवनेश्वर, लेकिन चल गया। वसीम सर, आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा पैडल भी है, तो अगर आप उससे बताएंगे कैसी लग रही है मेरी व्यू स्पोर्ट जर्सी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लग रहे हो तुम के भैया व्यू स्पोर्ट के कुछ ना यू नो प्रॉपर होस्ट लग रहे, तो व्हिच इज वेरी गुड, क्लैप्स टू यू। थैंक यू सर। तो आज की मैच पे आते हैं, जो कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। तो कंडीशंस फिर से वही है, दुबई की बात कर रहे हैं हम, चेजिंग पैटर्न आपको वहां भी दिखेगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है फैंटेसी टीम के लिए वो है टॉस, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग। और लास्ट जो दो मैचेस हुए थे, पहले दो मैचेस दुबई में, वो दोनों ही एक ही सरफेस पे हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली एक फ्रेश विकेट यूज होना चाहिए इस विकेट इस मैच के लिए, जो कि टॉस के लिए जाएंगे ही। आकाश सर रिपोर्ट के लिए तब आपको बता देंगे कौन सा पिच यूज होने वाला है। अभी बता देता हूँ वो उस पिच, वो नई पिच है, ये दो पिच जो है दोबारा इस टूर्नामेंट में यूज नहीं होगी। टोबी है हमारे, वो क्यूरेटर का नाम, मैंने उससे पूछ लिया था, उसने कहा अब ये दो पिचेस जो है ये खत्म हो चुकी है, मतलब एक पिच जो है वो खत्म हो चुकी है, दो से ज्यादा मैच नहीं खेले जाएंगे एक पिच पे, अब एक फ्रेश पिच होगी इसकी गारंटी है। फ्रेश पिच तो पक्का होने वाली है, घास होगी या नहीं वो हम आपको बता देंगे, उसके लिए पिच रिपोर्ट के लिए वो भी है, स्काउट जाने वाले हैं, वो भी है। अच्छा वो ऑलरेडी है अभी? अरे घास यहाँ सारे पूरे स्क्वायर पे है, कोई हटाता ही नहीं, यहाँ पे घास रखते हैं। तो अगर घास होगी तो फिर से आपके कैप्टनसी ऑप्शंस में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो बन जाते हैं। तो फिलहाल वसीम सर से पूछना है, सर अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि ये मैच टोटली डिपेंडेंट है टॉस पे, तो हम टॉस के बेसिस पे बात करते हैं। इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो किसके साथ जाना चाहेंगे? आपके दो कैप्टनसी ऑप्शन, कैप्टन वाइस कैप्टन, आपकी सेफ चॉइसेस। मैं एक्चुअली जाऊंगा रोहित और विराट के साथ में। पीयूष, रोहित हालांकि लास्ट मैच में थोड़े सब्ड्यूड थे, बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू कम गुड, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, और इंडिया के चांसेस अगर बनने हैं तो रोहित का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। तो आई एम गोइंग विथ रोहित एंड विराट, क्योंकि विराट भी आई फील उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू बैट फॉर अ वाइल, तो आई एम गोइंग विथ रोहित एंड विराट। वसीम सर जा रहे हैं अगर पहले इंडिया बैटिंग करती है तो रोहित और विराट के साथ, आप भी जा सकते हैं। रोहित इवन दो इस साल अभी तक एक बड़ी नॉक नहीं आई है, एक्सेप्ट दैट 150 जो उन्होंने आईपीएल और सारी टी20 इंटरनेशनल मिला के एक ही 50 किए इस साल, लेकिन सामने हांगकांग है। और एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो फैक्ट लास्ट टाइम जब खेले थे अगेंस्ट हांगकांग 2018 में, जो कि था ओडीआई फॉर्मेट में, तो एहसान खान ने विकेट लिया था उनका पावर प्ले में, और एहसान खान अभी भी काफी अच्छी फॉर्म में है, हमने देखा है ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट रिसेंटली आईपीएल में भी, चाहे वो सुंदर रोन के अगेंस्ट भी आउट हुए पावर प्ले में, तो एक थ्रेट हो सकते हैं। और विराट कोहली जो लास्ट मैच में काफी अच्छे टच में लगे थे, इवन दो लास्ट के 10-15 रन में थोड़े लकी थे, बट स्टिल एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस रहेंगे स्पेशली अगेंस्ट दिस साइड। आकाश सर किसके साथ जाना चाहेंगे अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, आपके सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन? मेरे एक्चुअली आइडेंटिकल थे, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनको कम से कम थोड़े चॉइसेस तो दीजिए कि, तो ऑफ कोर्स रोहित विराट, दे आर गोइंग टू स्कोर रन्स, मेरा बहुत स्ट्रांग उसके फीलिंग भी है, लेकिन विकेट्स भी गिरेंगी सेकंड इनिंग्स में, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय टीम जो है वो विकेट ही नहीं लेगी। सो आई विल गो विद रोहित शर्मा एंड अर्शदीप सिंह, अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर रोहित विराट अर्शदीप, दीज आर माई थ्री एक्चुअली पीपल, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दो बैट्समैन तो कॉमन है हमारे यहाँ पर कि उनके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तीसरे भी जो मेरे होंगे वो विराट कोहली भी रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छी चॉइस है, अच्छे टच में लगे थे लास्ट मैच में, और इजीली उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस मैच में 50 भी स्कोर कर दें। तो विराट कोहली अगर आप किसी बैट्समैन के साथ जाना है, और
कुछ डिफरेंशियल ट्राई करना है इस मैच में तो रविंद्र जडेजा बैटिंग एट नंबर फोर, पहले बैटिंग करते हैं और उसके बाद बॉलिंग करने के चांसेस है कि ज्यादा ओवर्स करेंगे, तो रविंद्र जडेजा भी एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस बन जाते हैं, स्पेशली क्योंकि अब कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं और मिडिल ओवर्स में हांगकांग के लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर भी ऑपरेट करेंगे तो चांसेस हैं वापस से ऊपर आए। रविंद्र जडेजा अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस है और दूसरे होंगे युजवेंद्र चहल जो कि सेकंड बॉलिंग करते हुए जरूर मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन आपको दिखेंगे। वसीम सर, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आपके कैप्टनसी ऑप्शंस क्या चेंज होंगे, इन दैट केस किसके साथ जाएंगे आप? जी मैं एक्चुअली फिर भूवी के साथ जाऊंगा, भूवी इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस क्योंकि नया बॉल बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी चार विकेट लिए तो भूवी होंगे, और दूसरा ऑप्शन होगा रोहित शर्मा का, सो आई एम गोइंग विद भूवी एंड रोहित। बिल्कुल, भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में भी चार विकेट्स लेके गए और काफी अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे क्योंकि काफी विकेट्स उनके एलबीडब्ल्यू बोल्ट में थे। इस मैच में भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं भुवनेश्वर कुमार अर्शदीप फिर से टॉप चॉइसेस रहेंगे आपके, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 विकेट शायद इंडिया ले ही लेगी इजिली तो दोनों को विकेट अच्छे खासे मिल सकते हैं। अगर सर लास्ट मैच में भी हमारे चॉइसेस थे बॉलिंग फर्स्ट में भुवनेश्वर और अर्शदीप, क्या फिर से उनके साथ जाएंगे? I'll flip it. दोनों मेरी ऑप्शन रहेंगे एक्चुअली, पहले अगर बोलिंग है तो फिर उसमें डाउट नहीं है मेरे जहन में, पर I'll have अर्शदीप as my captain and भूवी as my vice captain. थोड़ा फ्लिप कर रहा हूँ, नई पिच है और हांगकांग के सामने, हांगकांग सामने है, लेफ्ट आर्म पेसर है और रोहित शर्मा द कैप्टन, जो अभी तक थोड़ा ट्रेंड नजर आया है ना कि हो सकता है कि भूवी के चारों ओवर पूरे ही ना हो, there is also a possibility कि चलो यार अभी तो ये हल्का मैच है तो बाकी को जरा ट्राई ज्यादा करो, so that is also another thing, हो सकता है 20 ओवर पूरी बॉलिंग ना करनी पड़े, so अर्शदीप सिंह will be my captain, भूवी will be my vice captain। सर हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि दोनों डेथ में आ जाएंगे, लास्ट में विकेट ले जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 20th ओवर हो ही ना, तो उसके लिए आपके पास कोई हटके कैप्टनसी चॉइस है आपका, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टनसी चॉइस अगर आप बॉलिंग में बात करें? आवेश खान, आवेश खान मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टनसी चॉइस है और मुझे लग रहा है चार ओवर पूरे डालेगा इस मैच में और विकेट भी उनको मिलेंगी, इस पे बाउंस है, पिच में साइडवेज मूवमेंट है, सामने वाली टीम हो सकता है कि अगर भूवी और अर्शदीप को थोड़ा संभल के खेलेंगे तो आवेश किसी के अगेंस्ट तो रन बनाने की कोशिश करेंगे, और आवेश इस बार उनको दो ओवर नहीं मिलेंगे, इस बार पूरे चार मिलेंगे और वो मिडिल ओवर में भी हो सकते हैं, एक आधा ओवर पावर प्ले में, उसके बाद बाय द 16th ओवर उनके ओवर खत्म भी हो गए, सो आई विल गो विद आवेश खान। वसीम सर आपकी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक, अगर आपको सिर्फ एक बॉलर चूज करना हो इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है जिसपे आप रिस्क लेना चाहें, क्या वो आवेश होंगे या फिर कोई और? मैं एक्चुअली जाऊंगा चहल के साथ में क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पिच में इतनी स्पिन नहीं है, शायद फास्ट बॉलर्स बल्क ऑफ द बॉलिंग करेंगे और शायद वो लोग ज्यादा विकेट लेंगे और इतनी बहुत स्पिन नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यजवेंद्र चहल में भी शायद इतने इफेक्टिव ना हो, तो हिल भी माय थोड़ा यू नो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आई कीप यजवेंद्र चहल एज वन ऑफ दोस। मेरे भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक युजवेंद्र चहल ही होंगे इस मैच में, इवन तो अगर वो पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं तो भी एक अच्छी चॉइस है, हम भले ही घास विकेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट हांगकांग जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटी लेग स्पिन नहीं खेलती है, अगर बैट्समैन के नंबर्स भी देखेंगे एक दो को छोड़ के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है अगेंस्ट लेग स्पिन, लास्ट टाइम जब खेले थे 2018 में तो 3 विकेट भी लिए थे, ऑफकोर्स वो एक वनडे इंटरनेशनल था, लेकिन एक अच्छी चॉइस रहेंगे इस साइड के अगेंस्ट स्पेशली। आकाश सर कौन सा वो प्लेयर होगा जिसको आप नहीं रखना चाहेंगे स्पेशली फ्रॉम द इंडियन साइड क्योंकि वही है जो किसी को आपको ड्रॉप करना होगा? एक्चुअली इस वाले मैच में मैं हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि कप्तान इनसे बॉलिंग नहीं कराएंगे, पांच बॉलर इनके पास पूरे हैं और हो सकता है हार्दिक पांड्या को एक भी ओवर खिला गेंदबाजी का मौका ना मिले, और सूर्य कुमार यादव अभी पांच पे आए तो हो सकता है सूर्य कुमार चार पे आपको बैटिंग करते नजर आए, उसके बाद हो सकता है दिनेश कार्तिक को भी ऊपर भेज दिया जाए, हार्दिक को कहें यार तूने बैटिंग भी कर ली है बॉलिंग भी कर ली, पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली हरा लिया तो हांगकांग के खिलाफ थोड़ा विश्राम कीजिए, तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या इस मैच में खेलेंगे तो सही लेकिन शायद जेब से हाथ भी बाहर शायद निकालने का मौका ना मिले। बिल्कुल, बॉलिंग अगर पहले कर रहे हैं तो मेरी टीम में भी नहीं होंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन अगर अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो क्या तब भी अवॉइड करेंगे उन्हें? सात खिलाड़ी, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसमें कि सात आपको भारतीय रखने हैं, आई विल बी टेम्प्टेड टू अवॉइड, आई बी वेरी टेम्प्टेड टू अवॉइड, मतलब जाडेजा मेरे जहन में है कि शायद मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ, पर जाडेजा चार ओवर डालेगा बंदा और हो सकता है क्योंकि ये फिलोसफी एंड टेम्पलेट से थोड़ा भारत को प्यार हो रहा है तो हो सकता है वो नंबर चार में बैटिंग करने भी आ जाए, विच आई थिंक शुड नॉट हैपन, सूर्या शुड बैट एट फोर, लेकिन
जाडेजा और हार्दिक में से अगर किसी को एक पिक करना पड़ा तो आई विल गो विद जड्डू यार, क्योंकि आई मीन बेटर चांसेस ऑफ एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेम. मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात है, इसमें क्वालिटी की बात कर ही नहीं रहे हम. एब्सोल्युटली, अगर दोनों में से एक ही पिक करना है तो मैं भी जडेजा के साथ ही जाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा दोनों रख लो. वसीम सर, किसको नहीं रखना चाहोगे, कौन सा होगा प्लेयर टू अवॉइड आपके लिए? मैं एक्चुअली जडेजा की तरफ जाऊंगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली चार ओवर तो, जैसे आकाश ने कहा कि चार ओवर तो डालेंगे, बट ऐसा लगता है कि शायद ये विकेट पे इतना इफेक्टिवनेस नहीं हो. अगेन यू एक्सपेक्ट के जब तक उनकी बोलिंग आएगी, यू नो बहुत सारी विकेटें फास्ट बॉलर्स ने निकालनी चाहिए, और शायद बैटिंग में भी इतना जल्दी उनको नहीं मिले. अगर इंडिया यू नो टॉप ऑर्डर शुड स्कोर मोस्ट ऑफ द रन, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जडेजा को करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा. तो आई विल probably avoid, I'll give an option of maybe Ravindra Jadeja. बिल्कुल, तो एक हमारे स्काउट रविंद्र जडेजा को रख रहे हैं, एक नहीं रख रहे हैं. और अगर थोड़ा सा और एडिशनल इनसाइट देना चाहें आपको कि और इजी बनाए, तो रविंद्र जडेजा बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप जरूर रख सकते हैं. बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगर आपको चांस लेना हो आवेश खान को पिक करने का, तो शायद जडेजा हार्दिक पांड्या में से दोनों में से आप जरूर किसी को अवॉइड कर सकते हैं. चांसेस अच्छे खासे हैं कि इन दोनों में से कोई एक तो अपने पूरे ओवर्स नहीं करेगा. सर फाइनली जिस मैच में आपको जिताएंगे हराएंगे वो है हांगकांग के प्लेयर्स, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स हमें पता है 7 प्लेयर्स पिक करने हैं, बहुत इजी है. स्ट्रेट वहां है कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है. तो आपको जो वो डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे इस मैच में हांगकांग के प्लेयर्स ही हैं. अगर सर किसके साथ जाना चाहेंगे वो चार हांगकांग के प्लेयर्स, अगर आप मार सकना चाहे तो 5. डिफिकल्ट चॉइसेस ऑफ कोर्स, पर अगेन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस. हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि वो, हालांकि अब गेंदबाजों का नाम ले तो एहसान खान, एजाज खान, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप टीम में रख ही लेते हो, क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि विकेट चटका चुके हैं, अभी भी अच्छी फॉर्म में है, और इनके एक्चुअली T20 नंबर्स आर एक्चुअली ऑल्सो वेरी गुड. एक की 8 में 18 विकेट है पिछले 12 महीने में, एक की दूसरे की 8 पारियों में 12 विकेट्स हैं, और इकोनॉमी भी अच्छा है. पर ये अच्छी टीमों के खिलाफ तो नहीं खेले हैं ना अभी तक वो, सिंगापुर, कुवैत, UAE, they are not the same kind of teams. So, Babar Hayat, and Nizakat Khan, ये दो मेरे बल्लेबाज रहेंगे, क्योंकि किसी ने तो रन बनाने हैं भाई, 125-30 रन जो भी बनने हैं. तो इन दोनों को टीम में रखूंगा. हो सकता है कि यासिम मुर्तजा को भी रख लूं, और बॉलर उन दोनों में से सिर्फ एक ही रखूं. आई मीन आई एम स्लाइटली स्प्लिट. इसमें सही और गलत कोई जवाब है नहीं, क्योंकि हो सकता है बैटिंग सडनली 30-3 हो जाए. आप पिक कर रहे थे बैटर की कोई काम करेगा, लेकिन all that is possible. तो थोड़ा unfortunate है कि इतना हमें पता भी नहीं है सामने वाली टीम के बारे में. बिल्कुल, लास्ट जो मैच की बात करें, जो 2018 के मैच की बात करें वनडे फॉर्मेट में, उसमें हमारे पसीने ही नहीं आंसू भी आ गए थे इनके ओपनर स्काउट करने में. 174 का ओपनिंग स्टैंड था और वो चेस कर रहे थे सिर्फ 285, और उसमें निजाकत खान ने 92 किए थे. लेकिन निजाकत खान के नंबर्स देखेंगे इस लेफ्ट आर्म पेस T20 में बहुत ही खराब है, 7 का एवरेज है सिर्फ. सामने अर्शदीप सिंह होंगे जो कि लास्ट मैच में भी काफी अच्छी बोलिंग किए थे विद द न्यू बॉल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस विकेट पे घास होगी, नया विकेट होगा. तो निजाकत खान वो प्लेयर टू अवॉइड भी हो सकते हैं, अगर आप स्पेशली वो चेस कर रहे हैं और आप किसी एक बोलिंग ऑप्शन को रखना चाहें हांगकांग से. टॉप अगर चार चॉइसेस की बात करें टॉस के अकॉर्डिंग, तो हांगकांग से पहली पिक जो आपके लिए आपको डेफिनेटली अपनी साइड में रखने हैं वो है यासिम मुर्तजा. बहुत ही अच्छा क्वालिफायर्स गया, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 4 ओवर्स विद द बॉल भी कर रहे हैं, 3 विकेट्स भी लिए हैं. दूसरे होंगे एहसान खान, बहुत ही अच्छा क्वालिफायर अगेन उनका भी गया, 3 मैचेस में 9 विकेट्स हैं. और हांगकांग के लिए लास्ट 5 ओवर्स में बॉलिंग करते हैं वो, इनफैक्ट 9 में से 7 विकेट जो हैं वो आए हैं लास्ट 5 ओवर्स में. तो एक स्पेशलिस्ट डेथ वो बॉलर भी हैं, अगेंस्ट इंडिया लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी विकेट्स भी लिए थे एहसान खान. ये दोनों ही सिचुएशन में रहेंगे. इसके बाद आपके पास है बाबर हयात और निजाकत खान, पहले बैटिंग करते हैं तो इन दोनों के साथ जा सकते हैं. और अगर हांगकांग पहले बैटिंग करती है तो इन दोनों में से एक बैट्समैन को ड्रॉप करके आप एजाज खान को ले सकते हैं, जो कि बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे आपके लिए. तो ये 4-5 होगी हमारी टॉप पिक्स हांगकांग से, जो कि आपके लिए डिफरेंशियल अच्छी हो सकती है इस मैच में. थैंक यू सो मच वसीम सर, आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका समय देने के लिए. उम्मीद करते हैं मैच इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, और जो गिव अवे विनर्स हैं उनके नाम स्क्रीन पे आपको यहाँ मिल जाएंगे, और आपकी जो जर्सी है ऑटोग्राफ्ड बाय वसीम सर जल्दी पहुंच जाएगी. इस मैच में आपके लिए गिव अवे ये है, आपको बताना है कि हांगकांग में से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा प्लेयर देने वाला है. तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट गेस कर लेंगे तो एक और जर्सी हम आपको भी भेज देंगे, तो कॉमेंट करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू, धन्यवाद.